दोस्तों यह कहानी छोटे छोटे बच्चों द्वारा फिल्माया गया है। यह कहानी एक छोटे से गरीब परिवार की है। किसी गांव में एक छोटा सा किसान रहा करता था, जिनका पत्नी काफी दिनों से बीमार थी और धीरे धीरे किसान भी बीमार पड़ जाता है। हम कैसे दें, हम तो नहीं ले पाते हैं। अरे बाबू किधर गया रे, मम्मी को पानी दो ना रे। अरे मंगरी किधर गया रे, मम्मी तो मर गई रे, तुम लोग किधर गया रे। और दोस्तों इसी तरह उसके पत्नी का एक दिन देहांत हो जाता है। और उस गरीब किसान के पास पैसों के अभाव के कारण वह उसे दाह संस्कार नहीं कर पाता है और वह उसे जमीन में खोद कर दफनाने का काम करता है। किसान की पत्नी की अंतिम यात्रा के बाद की कहानी। हाँ पापा, चलो डॉक्टर का पास ले जाते। पैसा नहीं है बेटा, डॉक्टर को कहा देंगे बेटा। हम किसी को पैसा मांग को लाएंगे। और यह सोचकर उस किसान की बेटी रोती हुई गलियों गलियों में भिक्षा मांगने चली जाती है। क्या हुआ बहन, क्यों रो रहा है? बताना बहन, तुम्हारा हेल्प करेंगे। बताना बहन, मेरे पापा बीमार है, उसे भी दुआ करना। पैसा देते हैं, उसका दुआ करना। जा रहे हैं, मेरा पापा और अपने पिताजी के इलाज के लिए वह दिन रात एक कर लेती है। चलो पापा, तुम्हें दुआ कर लेते थे। चलो डॉक्टर पास। चलो किसी तरह जाते हैं। इसका तो मलेरिया अटैक है, जिंदा तो उससे बीमार है बहुत दिन से। आपको ठंडा लगता है? हाँ, कब कब भी ठंडा लगता है। कितना दिन से लगता था? बहुत दिन से। इतना दिन से कहाँ थी? वैसे ही नहीं था तो दो चार को सुई बार दो ना डॉक्टर। हाँ बिल्कुल दे रहे, रुको रुको सुई दवाई करते हैं बच जाए। सात दिन मलेरिया का सुई लेना पड़ेगा, इसको सुबह शाम खाना पड़ेगा। लो बिल, 2000 बिल। बाप रे बाप, 2000? हम कहाँ से 2000 लाएंगे, मेरा पत्नी भी मर गई। हम तो गरीब आदमी है, हम कहाँ पाएंगे, कुछ रहम कीजिए डॉक्टर। अच्छा 2000 नहीं है तो हमको 1000 दे दो, बाद में 1000 दे देगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अब तो हम अच्छा हो गए बाप, अब तो हमको ताकत आ रहा है, अब तो हम ठीक हो गए। अरे मंगरी कहाँ गई रे, मंगरी किधर गई? मंगरी ओ आ गई, कहाँ गई? अच्छा देख रहा है पापा? हाँ अच्छा लग रहा है। अब बीमार नहीं पड़ना? हाँ अब बीमार नहीं पड़। तुम्हारा पोषण पालन कौन करेगा बेटी? है दूसरा शादी कर लेते। पर शादी नहीं करो। नहीं बेटी, शादी तो करना पड़ेगा, ना तो घर कौन संभालेगा। तेरा मम्मी भी मर गई, हम अकेले कैसे संभालने सकेंगे? तुमको देख रेख करेगी, स्कूल भेजेगी, तेरा कपड़ा साफ। इसी तरह एक दिन उसके पिताजी दूसरा शादी कर लेता है। देखो बेटा ये तेरी नई माँ है, इसके प्रणाम करो, इसका देखभाल अच्छा से करना, इसीलिए हम तुमको शादी करके लाए हैं। ठीक है करेंगे। अ
अरे वहाँ बाल बच्चा वाला उनका पास आ गए, कौन इस बच्चा का रखवाल करेगा? ये तो हम फंस गए रे बाप, क्या करूँ क्या करूँ। अच्छा ठीक है, गाड़ियाँ आए, इस लोग को हम मजा चखाई करेंगे। वो बच्ची की सौतेली माँ काफी सातिर और चलाक होती है, जो तरह तरह के कूटनीतियाँ अपनाती है। ऐ सुनिए, बच्चा बाबू को भेज दो भीख मांगने, वरना कैसे खाएंगे खाना पीना सब खत्म भी हो गया है। तुम ठीक है बोलती है, बाबू को भेज देते हैं कहीं भीख मांगने। हम लंगड़ा है, सब कामों धंधा करने नहीं सकते हैं। हाँ भेज दो, भेज देते हैं कहीं भीख मांगने के लिए। मंगरी, अरे मंगरी कहाँ गई है रे? तुम कहाँ गई थी बेटा, तेरा मम्मी कितना खोज रही थी? आ गया ना पापा। तो लंगड़ा है ना, तो हम तो काम नहीं करने सकते हैं। तेरी मम्मी तो नहीं है, तो वो भी नहीं काम करने जाएगी। तो तुम पहले जाती थी भीख मांगने, वैसे ही जाओगी? ठीक है मैं जाऊंगा। हाँ ठीक है। और इसी तरह फिर से भीख मांगने के लिए दर दर भटकती रहती है। कोई पैसे दे देता है, क्या करे, कर चलते। काफी प्रयास करती है भीख मांगने का, पर कहीं से उसे भिक्षा नहीं मिल पाता। कितना मिला भी? नहीं मिला। काहे नहीं मिला? नहीं लाएगी तो क्या खाएंगे? क्या फिर जाते हैं? कल तो पैसे नहीं मिलते हैं, पर भी पापा बहुत घरी आते हैं। क्या करे, नहीं मिला तो मैं घर, अरे मन और घर जाते। आ गई, दो धाप से गई भीख मांगने, कितना मिला भी? इसी तरह उस बच्चे को उसके माँ बाप घर से निकाल देते हैं। ए सुनते हो, जो काम करती थी भीख मांग मांग को पैसा लाती थी, वो भी घर से निकाल कर चली गई। अब तुम भी जाना पड़ेगा, तुम ही को अब काम करने, ना तो घर तुरा कैसे चलेगा? हम ना जाएंगे तो मेरा पैर भी टूटा ले, तो हम ना जाएंगे तो तुमको काम करना जाना ही होगा, ना जाएगा तो घर तुरा कैसे चलेगा? तुम इसीलिए भागो, हम तुमको क्या काम दे बताओ? तुम सको नहीं करेगा काम करने, लंगड़ा है अपने, तो हम क्या करेंगे तुमको? रख के दे दो बाबा, कुछ काम दे दो, मेरा जनिया तो मार के मरा देगी। दे दो बाबा, दे दो कुछ काम दे दो। और इसी तरह इस किसान का घर में प्रत्येक दिन लड़ाई और झगड़ा होते रहता है। हम इसके पास नहीं रह सकते हैं, इसके साथ रहेंगे तो दो ही दिन में
मराइये देगी। और इसी तरह उसकी बेटी ने उसे मना कर उस घर से दूर चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसा लगा छोटा सा वीडियो? आप लोग को पता होगा कि हम लोग का छोटा छोटा बच्चा मील को बहुत मेहनत करते हैं और बनाते हैं, इसीलिए हम लोग का वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जोहार।